आप जो घटनाक्रम जो योग आचार जो है कि बच्चे बच्चियों के साथ घटना कर उसके विषय में कौन चिंता दिया किसी को आपको सूचना दी कभी जी? हम लोग तो बस ये अपना काम कर रहे थे, किसी वगैरह लिख रहे थे और ग्रामीण लोग आए और उनको मारने लगे। सरकारी हो या प्राइवेट हो, बच्चों में ये शिक्षकों में बच्चों के प्रति जो इस तरह की घटनाएं अमूमन सुनने में आती जाती रहती हैं। मामला जब ये खिरौली का हम लोगों के संज्ञान में आया तो जब 17 तारीख को एक अभिभावक ने आवेदन दिया समिति के समक्ष, तो हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया कि इस बारे में समिति अपने स्तर से जा कर के वहाँ जाँच करेगी। चूँकि बच्चे बहुत छोटे थे, क्लास 1 के बच्चे थे, उम्र लगभग 5-6 साल की होगी, तो इस बातों का ध्यान रखते हुए समिति ने स्वयं वहाँ जा कर के इस बारे में जाँच करने की कि मैंने उचित समझा। और हम लोग गए और हम लोगों ने पाया कि शिक्षक पर जो आरोप लगाया गया था वह बिल्कुल सत्य है, और इस संबंध में हम लोग वरीय पदाधिकारी को लिखने के लिए आज उम्मीद है कि हम लोग तो कल ही आए हैं और अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, उम्मीद शाम तक हम लोग इसको लिख करके अग्रसारित कर देंगे संबंधित यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी महोदय को एवं कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर परिषद डुमराव उनको कि उस शिक्षक पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो हो। हम लोगों ने डीएसपी जो अभी प्रशिक्षु डीएसपी हैं, सहसा डीएसपी राज जी जो है आईपीएस अधिकारी हैं, हम लोगों ने उनसे भी मिल करके कहा कि आप इतना जो विद्यालय में इतनी घटनाएं घट गई, बवाल हुआ, जो कुछ भी हुआ, आपके तरफ से पुलिस की तरफ से एक सुमुटो संज्ञान होना चाहिए इन घटनाओं पर और तत्काल उस पर आप देखें और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने का कि मैंने कार्रवाई करें। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और संभवतः हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि उन्होंने मामला दर्ज भी कर लिया है। नहीं, बच्चे का आरोप ही जांच करने के लिए पूरी समिति गई थी। अभिभावकों का आरोप हो सकता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, लेकिन जो बच्चों के साथ एक एक करके पूरी टीम के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष मदन सिंह और सारे मेंबर वहाँ पर हम बातचीत किए, तो एक चीज़ तो खुलकर सामने आई कि वो आरोपी शिक्षक को बचाने के प्रयास में पूरा विद्यालय का सिस्टम लगा हुआ था। और ऐसे में जब जांच की गई तो घटनाक्रम की जानकारी प्रिंसिपल ने कहा कि मौखिक ये मैंने वहाँ की बीओ को दिया था। जब बीओ को कॉल किया गया तो बीओ ने प्रिंसिपल के सामने ही झूठला दिया, बोला कि झूठी है ये और ये गलत बयानी कर रही है। हमें तो दूसरे से सूचना मिली तो मैं आया और तमाम शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर के लिए सिक्योरिटी अफसर नगर पालिका को लिख दिया है। तत्काल वहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल की लापरवाही के लिए प्रिंसिपल को पदच्युत करने के लिए चेयरमैन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। क्या उन लोगों को करना था? बच्चियों ने उस दिन की घटना को विस्तृत रूप से बताया कि जो हमारे क्लास टीचर्स थे उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करके और खिड़कियां भी बंद कर देते थे और जो बालक होते थे उनका आंख बंद करवाते थे और आंख बंद करवाने के बाद उन बालिकाओं का वो वस्त्र उतारने की बात करके और फिर डांस करवाते थे। डांस करने के बाद वो अपने मोबाइल से बच्चियों के कथनानुसार वो वीडियो ही बनाते थे इसका, और वो कुछ नशीली पदार्थ खैनी वगैरह खाते थे जिसको खाने के बाद उनके हाथों पे बोलते थे कि हाथ निकालो और थुकवाते थे और थुकवाकर बोलते थे खिड़की से उसको बाहर फेंको। बिल्कुल, मध्य विद्यालय खिरौली में जिस तरह की घटना हुई है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है और बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे कि कई बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक है। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और शिक्षा किस तरह से करेंगे तो वो विद्यालय कैसे जाएंगे।